वेलकम बैक टू माई चैनल, यू आर वॉचिंग मानी लाइफ। यार मेरा फेस थोड़ा इग्नोर करो क्योंकि आंखें मेरी स्वेलअप हुई हुई हैं, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाती है, रोजे चल रहे हैं तो फेरी के टाइम उन्हें उठना पड़ता है और सारा स्केड्यूल ऐसे ही चल रहा है। खैर मौसम बहुत अच्छा है आज उधर फैसलाबाद में, थोड़ा आई थिंक बारिश वाला सीन हुआ था फेरी टाइम पे, तो अभी धूप नहीं निकली हुई। खैर सीन कुछ यूं है कि हमने आज जाना है भाई बाजार, क्योंकि हमें बच्चों के लिए ईद बॉक्सेस प्रिपेयर करने हैं। इस बार हम ईद सेलिब्रेट करेंगे बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों के साथ, उनको ईद बॉक्सेस गिफ्ट करके। इसके लिए जी मैंने आप लोगों से मांगी थी डोनेशन, जिसका मुझे अफसोस है कि उस तरह लोगों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन जितने लोगों ने भी किया है आई एम रियली थैंकफुल टू देम। वो जितना भी बआसानी से डोनेट कर सके, किसी ने 100 रुपीज किए हैं, किसी ने 200 किए हैं, किसी ने इवन बहुत ज्यादा अमाउंट भी दिया है, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा जी, अभी हम जाएंगे ईद बॉक्सेस के लिए, देखेंगे कि हम क्या क्या चीजें उसके अंदर डाल सकते हैं, बच्चों को किस तरह की आइटम्स अच्छे लगती हैं, तो उसके साथ साथ मैं तुम लोगों को लेके चलूंगी और ये मैं साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लोर कराऊंगी और हम सब मिलके उनके लिए ईद बॉक्सेस प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर बैंगल्स की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी बैंगल्स ली जाएँ, किस कलर में की जाएँ, सेम करें या फिर डिफरेंट डिफरेंट लें, तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया ये चीज़ फिगर आउट करने में कि कौन सी बैंगल्स लेनी है और कौन सी नहीं। फाइनली यहाँ पे बैंगल्स हमने पिक कर ली थी, बॉक्सेस रेडी हो चुके थे और अब हम नेक्स्ट जाएंगे कुछ और लेने। गर्मी के साथ बुरा हाल हो गया था, चीज़ें देखते कि बहुत थक गई थी मैं। तो जी घर पहुँचने के बाद मेरी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा दूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई। मेहंदी थी, देन उसके साथ हमने वॉचेस ली बच्चों के लिए, देन कुछ स्नैक्स के आइटम्स ली जिसके अंदर कैंडीज थी, चॉकलेट्स थी, चाय मेवा था और बिस्किट्स थे। इसके साथ साथ जी चूड़ियाँ पिक की थी और हमने साथ पोनियाँ भी ली बच्चियों के लिए और कुछ एक दो और आइटम्स थे। और यहाँ पर बॉक्स नहीं खुल रहा था मुझसे, तो चलो मैंने कहा बाद में दिखाती हूँ। ओके, अब हम इसकी पैकिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गिफ्ट रैप्स को लेके उनके ऊपर रिबन लगाया, उनको एक टॉफी शेप में देने के लिए इसके अंदर चीज़ें हम रैप करेंगे। ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन था, तो अब मैं इसको यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगी। यहाँ पर जी चीज़ें रैप करना शुरू करूँगी मैं। सबसे पहले हमने चूड़ियाँ रख ली, कुछ स्नैक्स रख लिए, इसके साथ जी एक मेहंदी की कोन रखी। अब इसको हम दूसरी तरफ से रैप कर देंगे और इसको एक अच्छा सा शेप दे देंगे ताकि बच्चों को इसको देखने में, खोलने में ज़्यादा खुशी महसूस हो। तकरीबन मुझे 4 घंटे हो चुके थे पैकिंग करते हुए, इन सारी चीज़ों को सेट करते हुए मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। पहले सोचा थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, फिर मैंने कहा नहीं, हम फिर से स्टार्ट करेंगे फर्दर जी। हमारे पास कुछ कपड़े थे जो हम इनको पैक करेंगे या अरेंज करके फ़िलहाल रखेंगे साइज़ के अकॉर्डिंग, बड़े छोटे और बच्चों के लिए, ठीक है, ताकि हमें देने में आसानी हो, वहाँ पर कोई मसला ना क्रिएट हो। इसलिए हमने बच्चों के लिए कपड़े सारे अरेंज करके रख लिए, लड़कियों और लड़कों के कपड़े हम सेपरेट करके रख लेंगे ताकि कोई भी मसला ना दरपेश आए। यहाँ पर मैंने सोचा क्यों ना सारे गिफ्ट्स को अरेंज करके रख लिया जाए और काउंट कर लिया जाए कि हम कितने बच्चों को सक्सेसफुली असिस्ट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए कुल मिलाकर तकरीबन 200 पैकेट्स बन चुके थे, कुछ बाहर पड़े थे, कुछ यहाँ पे पड़े थे, तो अब हम इनको सिर्फ डिलीवर कराने के लिए भेज देंगे।